दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है कि जब बच्चे रोते हैं तो वो किस तरीके से रोते हैं और उनको कैसे पहचानें और कैसे उनकी मेडिसिन सेलेक्ट करें। मैं तीन कंडीशन आपको बताऊँगा और तीन दवाइयाँ आपको बताऊँगा, आपने पहचानना है कि आपका बच्चा इन तीनों में से किस तरीके की कंडीशन के हिसाब से रोता है तो आप उसको वो होम्योपैथिक दवाई दे सकते हैं। दोस्तों पहली जो दवाई है वो है कैमोमिला। कैमोमिला का बच्चा जब रोता है तो उसको अगर गोद में ले लें तो चुप हो जाता है। जैसे आपने उसको गोद में उठा लिया तो चुप हो जाता है, जैसे ही आप उसे नीचे छोड़ देंगे तो रोने लगता है। तो यह कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो आप कैमोमिला 30 की दो दो बूंदें सुबह दोपहर शाम एक चम्मच ताजे पानी में अपने बच्चे को दें या उस बच्चे को दें जिसके साथ इस तरीके की घटना है, तो उसका यह समस्या ठीक हो जाएगी धीरे धीरे करके। और दूसरी दवाई है दोस्तों इसमें एकोनाइट। एकोनाइट में कि जैसे ही आपने बच्चे को सोने के लिए लेटाया, मान लिया कि वो खेल रहा है आपके साथ और आपकी गोदी में खेल रहा है या आपके पास बैठा है, तो आपने जैसे उसे लेटाया बेड पे तुरंत ही रोने लगेगा और उठ के बैठ जाएगा। दोस्तों इस कंडीशन में एकोनाइट 30 दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम आप कुछ समय के लिए देंगे तो आपके बच्चे का इस तरीके से रोकर जाग जाना या सोना ही ना या सोने से पहले इस तरीके की एक्टिविटी करना वो ठीक हो जाएगा। और इसमें तीसरी दवाई है दोस्तों जिंकम मैट, पोटेंसी है 30। आपका बच्चा रात को सोते सोते अचानक से जगेगा और अचानक से चौंक जाएगा और बैठ जाएगा और रोने लगेगा। इस कंडीशन में आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन जिंकम मैट 30 पोटेंसी की दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम कुछ समय के लिए इस्तेमाल करनी है। जब आपका बच्चा ठीक हो जाए तो आप इन दवाइयों को बंद कर दें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके मुताबिक किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप टॉपिक का नाम हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों।